आदित्य चोपड़ा का ब्रॉडवे म्यूजिकल कम फॉल इन लव, जो भारतीय फिल्म की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से प्रेरित था, यूएस में डेब्यू करने वाला है। प्रदर्शन 14 सितंबर को सैन डिएगो में शुरू होगा और 16 अक्टूबर तक चलेगा। यश राज फिल्म्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर आदित्य चोपड़ा के एक विशेष संदेश के साथ यह जानकारी प्रकाशित की गई थी। जो लोग अनजान हैं, उनके लिए 1995 में मूल बॉलीवुड फिल्म की रिलीज में शाहरुख खान और काजोल प्रमुख भूमिकाओं में थे। मैं उन फिल्मों के कुछ हिस्सों से चला गया हूं जिन्हें हमारे प्रशंसक एक नए क्षण और नए दर्शकों के लिए एक नया DDLJ बनाने के लिए पसंद करते हैं। लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि कम फॉल इन लव बातचीत करता है, गाता है और नृत्य करता है, आशा, आशावाद और प्यार के साथ नई जगह और समय, मुझे लगता है कि इसमें DDLJ के प्रमुख गुण हैं। मैं पहली बार DDLJ के बारे में सीखने वाले दर्शकों के लिए कम फॉल इन लव को पेश करने के साथ साथ लोगों के साथ कथा साझा करने के लिए उत्साहित हूँ, जो DDLJ को महत्व देते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि DDLJ दुनिया भर में रहने वाले कई भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, और मैं भारत को चित्रित करने के मामले में फिल्म के मूल निर्माता और निर्देशक के रूप में अपनी भूमिका के बारे में भी अच्छी तरह से जानता हूँ। बाकी दुनिया, मैं इस अवसर के लिए सराहना, आभारी और रोमांचित हूँ। उन्होंने आदित्य चोपड़ा के रूप में हस्ताक्षर किए और कहा, आशा है कि मैं आपसे थिएटर में मिलूंगा और हम एक साथ प्यार की चुंबकीय शक्ति का जश्न मना सकते हैं जो कर सकती है सभी सीमाओं को तोड़ो। फिल्म की बात करें तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने रिकॉर्ड बनाया और भारतीय सिनेमा में सबसे लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। फिल्म को मुंबई के मराठा मंदिर में दिखाए गए 19 साल से अधिक समय बीत चुका है।